Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 5 from the lesson A Truly Beautiful Mind. Vastavik Sundar Man ki video number 5 hai. Last video hai. Aapka swagat hai. Aaiye shuru karte hain. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. Author कहता है, when the Nazis, Nazi party, ये German की Nazi party, Hitler शाही, निरंकुश शासक था. उसकी पार्टी का नाम नाजी था. तो जब नाजी पार्टी सन 1933 में जर्मनी के अंदर केम टू पावर सत्ता में आई तो क्या हुआ. आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो आइंस्टीन एमिग्रेटेड मीन्स सेटल्ड इन अदर कंट्री. बस गया, आकर बस गया टू द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में. जब 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आई तो आइंस्टीन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आकर बस गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 years later, 5 वर्ष के पश्चात, the discovery, खोज of nuclear fission, आणविक विखंडन, in Berlin, Berlin में परमाणु विखंडन की खोज ने 5 वर्ष बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज ने हेड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स, अमेरिका के फिजिसिस्ट कहते हैं भौतिक वैज्ञानिक, अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिकों को इन एन अप्रोर का मीनिंग है परेशानी में, इन ट्रबल. 5 वर्ष के पश्चात बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज ने अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिकों को परेशानी में डाल दिया. यानी कि जब बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज हुई तो उससे अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक परेशानी में आ गए. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ देवर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. मैनी ऑफ देम, अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिकों में से बहुत से वैज्ञानिक हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म हैड फ्लेड भागकर आ गए थे फ्रॉम फासिज्म फासीवाद से. उनमें से बहुत से वैज्ञानिक फासीवाद के डर से भाग करके अमेरिका आ गए थे. जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस प्रकार से आइंस्टीन अमेरिका आकर के बस गया था. एंड नाउ देवर अफ्रेड, और अब वे भयभीत थे. अफ्रेड मीन्स भयभीत. क्यों भयभीत थे? द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. देखिए, नाजी पार्टी कुड बिल्ड बना सकती है एन एटॉमिक बम, एक परमाणु बम को, एंड यूज और उसका प्रयोग कर सकती है. एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 August 1939, इन विच ही वार्न्ड, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप
एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटरी। आगे ऑथर कहता है, एट द अर्जिंग, अर्जिंग मीन्स निवेदन या प्रार्थना पर, ऑफ ए कलीग, कलीग कहते हैं साथी, साथ काम करने वाले को कलीग कहा जाता है, अपने एक साथी के बार बार आग्रह करने पर, बार बार निवेदन करने पर, आइंस्टाइन रोट ए लेटर, आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन राष्ट्रपति को 2 अगस्त 1939 को आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा इन विच ही वॉर्न्ड, और उस पत्र में जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, वॉर्न्ड मीन्स चेतावनी दी। क्या लिखा था पत्र में, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का अकेला बम एक्सप्लोडेड, विस्फोट कर दिया जाए, इन ए पोर्ट, बंदरगाह पर, एक बंदरगाह पर इस प्रकार के अकेले बम का विस्फोट कर दिया जाए तो क्या होगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, वेरी वेल भली भांति डिस्ट्रॉय नष्ट कर सकता है द होल पोर्ट संपूर्ण बंदरगाह को, टुगेदर विद साथ साथ, सम ऑफ द सराउंडिंग्स आसपास की कुछ टेरिटरी क्षेत्र को। एक अकेला इस प्रकार का बम एक बंदरगाह पर विस्फोट किया जाए तो वह पूरे बंदरगाह को, उसके कुछ आसपास के क्षेत्र को पूर्णतया नष्ट कर सकता है। His words did not fail to have an effect. उसके ये शब्द did not fail, असफल नहीं हुए, to have an effect, प्रभाव डालने में। उसके ये शब्द प्रभाव डाले बिना नहीं रह सके, अर्थात उसके जो आइंस्टीन ने पत्र लिखा था अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, उसका उस पर बहुत असर हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जैपनीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। आगे ऑथर कहता है, दी अमेरिकन्स, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने डेवलप्ड, विकसित कर लिया दी एटॉमिक बम, एक परमाणु बम, इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अपनी एक गुप्त परियोजना में अमेरिका के वासियों ने एक परमाणु बम का विकास कर लिया या विकसित कर लिया या बना लिया, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको गिरा दिया या विस्फोट कर दिया इसका, ऑन द जैपनीज सिटीज, जापान के नगरों पर, ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1947, 1945 ईस्वी में अगस्त के माह में हिरोशिमा और नागासाकी नाम के दो जापान के महानगरों पर अमेरिका ने इस बम को गिरा दिया और वहां विनाश लीला कर दी। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जब अमेरिका ने जापान के दो बड़े नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाला तो क्या हुआ, वहां पर विनाश हो गया। तो आइंस्टीन वाज डीपली शेकन, आइंस्टीन वाज डीपली शेकन को गहरा दुख हुआ बाय द एक्सटेंट, एक्सटेंट मीन्स परिणाम।
ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के। आइंस्टीन को विनाश के परिणाम को देख करके, महाविनाश को देख करके गहरा दुख हुआ। दिस टाइम ही रोड ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। दिस टाइम इस बार ही रोड ए पब्लिक मिसिव, मिसिव मीन्स लेटर, पत्र, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक। इस बार उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ को। इस बार आइंस्टीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक सार्वजनिक पत्र लिखा। इन इट, इस पत्र में, ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस पत्र में ही प्रपोज्ड, उन्होंने सुझाया या प्रस्ताव किया, द फॉर्मेशन, निर्माण का, गठन का, ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार का। इस पत्र में उन्होंने, आइंस्टीन ने विश्व सरकार के गठन का, निर्माण का सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र की तरह इस पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 वर्षों में, डिकेड कहते हैं 10 वर्ष की अवधि को डिकेड कहा जाता है। अगले 10 वर्षों में आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन राजनीति में कुछ ज्यादा ही या कुछ अधिक उलझ गए, व्यस्त रहे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप। एजिटेटिंग मीन्स आंदोलन किया, फॉर एन एंड समाप्ति के लिए, टू द आर्म्स बिल्ड अप, शस्त्रों के संग्रह करने में। आइंस्टीन ने शस्त्रों के संग्रह करने को खत्म करने के लिए आंदोलन किया, एजिटेटिंग आंदोलन किया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मीन्स लोकप्रियता, अपनी लोकप्रियता का प्रयोग करके टू कैंपेन, अभियान चलाया, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्र के लिए। अगले दस वर्षों में आइंस्टीन राजनीति में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहे, और उन्होंने एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, शस्त्रों के संग्रह या भंडारण को बढ़ाने को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग करके उन्होंने शांति और प्रजातंत्र के लिए अभियान चलाया। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. author कहता है, when Einstein died, जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई, जब आइंस्टीन का देहांत हुआ, in 1955 में, at the age of 76, 76 वर्ष की आयु में, जब 76 वर्ष की आयु में 1955 ईस्वी में आइंस्टीन का देहांत हुआ, तो ही वॉज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड मीन्स प्रेज्ड, तो उनकी प्रशंसा की गई, एज ए विजनरी,
चिंतक के रूप में एंड वर्ल्ड सिटीजन और विश्व नागरिक के रूप में। तो उनकी चिंतक और विश्व नागरिक के रूप में जितनी प्रशंसा की गई, एज मच जितनी प्रशंसा की गई, उतनी ही प्रशंसा उनकी एज ए साइंटिफिक जीनियस, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में भी की गई। जब 76 वर्ष की आयु में 1955 ईस्वी में आइंस्टीन का देहांत हुआ तो चिंतक के रूप में और विश्व नागरिक के रूप में उनकी जितनी प्रशंसा की गई उतनी ही प्रशंसा प्रतिभाशाली नागरिक के रूप में भी की गई। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से वह बालक जिसको टीचर ने क्लास से निकाल दिया था, देर से बोला, एक एक बात को दो दो बार बोलता था, उसके साथ ही भी उसे बोरिंग कहते थे, ठीक है, वह बालक कितना बड़ा वैज्ञानिक बना, आज उसे संसार याद करता है। ठीक है, तो इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बालक कमजोर नहीं होता है, बुद्धू नहीं होता है, कोई कुछ भी कहे उसे अपना अध्ययन सतत निरंतर जारी रखना चाहिए, यही उसके पढ़ाई की सफलता है। तो सुंदर मन क्यों कहा गया है? देखिए, जब वो चाहते थे आइंस्टीन कि जो भी खोज हो वह शांति के लिए हो, प्रजातंत्र के लिए हो, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी बम डाले तो उन्हें बहुत ही अधिक दुख हुआ। उन्होंने मानव की कल्याण की कल्पना की इसीलिए और विज्ञान को मानव कल्याण के लिए हितकारी बनाने के लिए जोड़ दिया, यही उनका वास्तविक सुंदर मन था। तो इतनी बाणी को इस वीडियो के साथ साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और विदा से पहले एक बात रिमाइंड करना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।